हरियाणा के अंबाला जिले समेत आसपास के जिलों में बेटियों को कोख में मारने वाले गिरोह सक्रिय हैं। आपको बता दें कि गिरोह ने अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल जिले में अपना जाल बिछाया हुआ है, तो वहीं धंधे में सम्मिलित दलालों के तार यूपी तक जुड़े हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग कुरुक्षेत्र की टीम ने अंबाला के छोटा बाजार निवासी सोनू बजाज को पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन के साथ दबोचा है। पुलिस आरोपी को आज कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लेगी। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग अंबाला द्वारा 3 दिन पहले यूपी के शामली से दलाल कुरुक्षेत्र के बीड अमीन निवासी जितेंद्र और राकेश वर्मा को पकड़ा था। इनके तार आरोपी सोनू बजाज से जुड़े हैं, जिसे मंगलवार शाम को पकड़ा गया। आपको बता दें कि शामली निवासी आरोपी डॉक्टर नदीम फरार चल रहा है। अब पुलिस सोनू को रिमांड पर लेकर गिरोह के अन्य सदस्यों का पर्दाफाश करेगी। आपको बता दें कि सोनू 35,000 रुपए लेकर भ्रूण लिंग जांच कराता था। आरोपी सोनू बजाज के खिलाफ PNDT एक्ट के तहत 6 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से 2 मुकदमे अंबाला, 3 कुरुक्षेत्र और 1 करनाल में दर्ज है। वहीं स्वास्थ्य विभाग कुरुक्षेत्र की टीम ने सोनू बजाज को 7 सितंबर 2020 में इस्लामाबाद के गांव सैनी मजारा तथा 2 मार्च 2021 को सेक्टर 3 से गर्भ में भ्रूण लिंग जाँच के मामले में दबोचा था। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।